पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही है कि रविकांत तुक्कर अपनी पार्टी के नेता राजू शेट्टी से नाराज है दो दिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है आज पुणे में स्वाभिमानी की की समिति की बैठक में इसका समाधान निकालने के लिए उन्हें बुलाया गया था लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय सीधे बुल्ढाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा इन अफवाहों पर रोक लगनी चाहिए आगे रविकांत तुक्कर ने कहा कि मुझे आज की मीटिंग का मैसेज मिला लेकिन मैंने उपरोक्त सभी बातें बार बार उन तक पहुँचाई है इसलिए अब किसान ही मेरी जिंदगी और मेरी आत्मा है मैं खून की आखिरी बुद्ध तक किसानों के लिए लड़ता रहूंगा फिर भी उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि आज हम स्वाभिमानी किसान संगठन में हैं, जो भी फैसला लेना है वो पार्टी के नेता लेंगे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आज से काम शुरू कर दिया है मला शेतकरी चळवळीचा झेंडा घेऊनच शेतकऱ्यांसाठी काम करायचं आता आम्ही आणि लोकसभाची निवडणूक बुलढाण्यात लढवण्याचा निर्णय हा सगळ्या शेतकऱ्यांनी आणि बुलढाणा जिल्ह्यातल्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांनी घेतलेला निर्णय मी 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 सोडा मी माझी भूमिका सोडा शेतकरी आणि हे शेतकरीच आम्हाला काबू देणार नाही सगळ्या कार्यकर्त्यांचं शेतकऱ्यांचं ठरलेलं आहे रविकांत तुपकर से पूछा गया कि पिछले साल से लेकर साठ के दशक तक के अपने दर से आप वास्तव में क्या मतलब रखते हैं? ऐसा कई बार कहा जा चुका है इसलिए अब फैसला उन्हें ही लेना है इस पर रविकांत तुपकर ने कहा कि जो भी फैसला होगा हम संगठन में रहकर पार्टी के विकास के लिए काम करते रहेंगे तो अब देखते है की आज की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है कुल मिलाकर क्या अब तुपकर का समूह पहले से ही शिवसेना एनसीपी और फिर स्वाभिमानी शेखकर संगठन बन चुका है और सबका ध्यान इस बात पर है कि कहीं आत्मसम्मान फूट तो नहीं रहा है ऐसा सवाल उत्पन्न हो रहा है कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सर अंसारी की रिपोर्ट